हेलो दोस्तों, वेलकम। रूल्स ऑफ स्पोर्ट्स में आज हम बात करेंगे कबड्डी के रूल्स के बारे में। सो कबड्डी एक पॉपुलर कॉन्टेक्ट स्पोर्ट्स है जो साउथर्न एशिया में बहुत फेमस है और ओरिजिनेट हुआ था एंशिएंट इंडिया में। यह आज पूरे देश में खेला जाता है और यह एक ऑफिशियल गेम है इन स्टेट्स का, जैसे कि पंजाब, तमिलनाडु, बिहार, तेलंगाना और महाराष्ट्र का। आउटसाइड इंडिया में भी यह बहुत पॉपुलर है, जैसे कि ईरान में, और यह बांग्लादेश का नेशनल गेम भी है। ऑल्सो इन नेपाल यह एक नेशनल स्पोर्ट्स है जो सब स्कूलों में सिखाया जाता है। कबड्डी एक पॉपुलर गेम है और दूसरे पार्ट में भी पॉपुलर है, जहाँ इंडिया और पाकिस्तान की कम्युनिटीज़ है, जैसे कि यूनाइटेड किंगडम में। वह स्पोर्ट को गवर्न किया जाता है इंग्लैंड कबड्डी फेडरेशन बाय यूके। कबड्डी की गवर्निंग बॉडी है इंटरनेशनल कबड्डी फेडरेशन, जिसमें 30 से ज़्यादा नेशंस का एसोसिएशन है और वो रूल्स डिसाइड करते हैं। गेम का ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ये है कि आपको सामने वाले की टीम से ज़्यादा स्कोर करना है और आप उस मैच को जीत पाएंगे। ये करने के लिए आपको पॉइंट करना है, स्कोर पॉइंट करना है बाय अटैकिंग और डिफेंडिंग। जब आप अटैकिंग करते हो तो आप एक रेडर सामने वाली टीम में भेजोगे, जो वहाँ जाके प्लेयर्स को टच करके वापस खुद के कोर्ट में आ जाता है और आपको पॉइंट मिलता है। लेकिन जब आप डिफेंसिंग करते हो तो ये आपका ऑब्जेक्टिव रहेगा कि अगर कोई रेडर आ रहा है तो रेसलिंग करके आप उसको गिरा दोगे और आपको खुद के कोर्ट में ही रखोगे, सामने की टीम में मत जाने दोगे। प्लेयर्स एंड इक्विपमेंट्स, तो कबड्डी दो टीम के बीच में खेला जाता है जिसमें 12 प्लेयर्स होते हैं, लेकिन एक कोर्ट में सिर्फ 7 प्लेयर्स ही होते हैं फील्ड में। कबड्डी का एरिया, प्लेइंग सरफेस एरिया 13x10 मीटर होता है और बीच में एक वाइट लाइन है जो इक्वल हाफ्स में सेपरेट करती है, जहाँ से एक एक टीम होती है। कबड्डी को खेलने के लिए एक सरफेस होता है जो मिट्टी का होता है, या तो फिर आजकल डिफरेंट से ग्राउंड भी बनाए गए हैं कबड्डी खेलने के लिए। दूसरे गेमों से अलग होता है ये स्पोर्ट, जिसमें कबड्डी में आपको जेन्युइनली आपको ज़रा इक्विपमेंट्स नहीं चाहिए, ज़रा क्लोथिंग एसेसरीज नहीं चाहिए, ज़रा इक्विपमेंट्स, और आपको ये गेम सबके लिए ओपन है। कबड्डी में स्कोरिंग सिंपल है। स्कोरिंग करने के लिए जब रेडर सामने वाली टीम में जाता है तो जितने लोगों को टच करता है उतना उसको पॉइंट मिलता है। सो अगर आप ओपोनेंट को आउट करते हो तो ये दो डिफरेंट वे में किया जाता है। जब आप अटैक करते हो तो रेडर जाता है और ऑपोजिशन मेंबर्स को टच करता है, जितने को टच करेगा उतना पॉइंट मिलेगा। और जब डिफेंड करते हो तो जो भी प्लेयर यहाँ आता है उसे आपको उसके हाफ में जाने नहीं देना है। कबड्डी में बोनस पॉइंट अवेलेबल होता है, जब रेडर बोनस लाइन को टच करता है तो उसे बोनस पॉइंट मिलता है। तीन, अगर आप सामने वाली टीम को पूरा ऑल आउट कर देते हो तो आपको 3 बोनस पॉइंट मिलते हैं। सो इसी तरह से आपको बोनस पॉइंट मिलते हैं कबड्डी में जब आप ऑपोजिशन के पूरे टीम को आउट कर दोगे। विनिंग द गेम, तो एट द एंड ऑफ द मैच जब आपका पॉइंट स्कोरबोर्ड में ज़्यादा है सामने वाली टीम से तो आप जीत जाते हो, लेकिन अगर दोनों टीम का स्कोर इक्वल होता है तो मैच ड्रॉ में हो जाती है। एक्स्ट्रा रूल्स ऑफ कबड्डी, सो जैसे फिजिकल नेचर की गेम है, यहाँ अंदर अंदर कुश्ती लड़ते हैं, इसलिए इसे एज में और वेट कैटेगरी में कैटेगराइज किया जाता है। 6 ऑफिसर होते हैं जो कबड्डी मैच को देखते हैं, जैसे कि एक होता है रेफरी, फिर स्कोरर, 2 असिस्टेंट स्कोरर होते हैं और 2 अंपायर होते हैं। कबड्डी के स्टार्टिंग मैच में एक कॉइन से टॉस किया जाता है, जो टीम जीतती है वो डिसाइड करता है कि वो कौन सी वो पहले रेड करेगा या नहीं। और जब कबड्डी का सेकेंड हाफ होता है तो जो टीम पहले रेट नहीं करती वो पहले रेट करेगी। कबड्डी का ड्यूरेशन 20 मिनट्स के 2 हाफ होते हैं और बीच में 5 मिनट्स का ब्रेक आता है। अगर रेडिंग करते टाइम आपको पॉइंट जीतना है तो आपको ब्रीड को होल्ड रखना है और सामने वाली टीम में जाना है और 1-2 मेंबर को टच करके वापस अपने टीम में आ जाना है और आपको आपका ब्रीड होल्ड रखना है उसी पॉइंट में। सो अगर कोई टीम है जो डिफेंडिंग कर रहे हो, सब आप डिफेंडिंग कर रहे हो, तो आपको प्रिवेंट करना है कि रेडर आपको छू के भाग ना जाए उसके हाफ वे में। जब भी आप डिफेंस करते हो तो आपको सक्सेसफुली प्रिवेंट करना है रेडर को उसके हाफ में चला ना जाए, और इस तरह से आपको पॉइंट मिलेगा। आप रेडर को गलत तरीके से नहीं छू सकते, उसको हाथ और टॉर्सो से ही पकड़ सकते हो, उसके हेयर और क्लोथ्स को आप नहीं छू सकते। अगर आपको प्रूव करना है कि आपकी ब्रीथिंग स्टॉप नहीं हुई है और आप रेडर है तो आपको कंटिन्यूस एक रिपीटेड वर्ड बोलना है, जैसे कि कबड्डी कबड्डी कबड्डी, ऐसा कंटिन्यूस बोलना है। अगर आप फेल हो जाते हो इसमें किसी भी मोमेंट तो ये माना जाता है कि रेडर फेल हो गया है और सामने वाले टीम को पॉइंट मिलता है।
यहाँ ऑपोजिट टीम को उनके सक्सेसफुल डिफेंस के लिए पॉइंट मिलता है। ईच टीम को टर्न मिलेगा रेडिंग करने के लिए। सो एक बार हाफ टाइम होता है तो दोनों टीम स्विच हो जाती है उनके कोर्ट में, और जो टीम ने पहले रेड की थी हाफ से पहले, तो सेकेंड हाफ में वो टीम रेड नहीं करेगी। पहले गेम कंटिन्यू होती है अनटिल टाइम एंड हो जाता है, और जो टीम सबसे ज़्यादा पॉइंट करती है वो विजेता घोषित की जाती है। सो गाइज, ये थे कबड्डी के बेसिक रूल्स। वीडियो को अच्छा लगा तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच गाइज।